जिनके घर में दिन रात झगड़े होते हैं, जरा जरा सी बात पर बहुत बड़ा क्लेश खड़ा हो जाता है, सास बहू, पति पत्नी, ननद भाभी, इन सभी रिश्तों में बहुत कड़वाहट आ रही है और इन झगड़ों से आप बहुत परेशान हो चुके हैं, वो सच्चाई जान लीजिए कि आखिर इन झगड़ों का मुख्य कारण क्या है और एक छोटा सा उपाय कीजिए जिससे 99% तक समस्या सुलझ जाएगी। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता प्रतिदिन धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह और शाम को दरवाज़ा खुला रखिए घर का, ताकि माता लक्ष्मी अंदर आ सकें। लेकिन माता लक्ष्मी को मीठा बहुत पसंद होता है, जिनके घर में मीठा रखा होता है माता लक्ष्मी वहाँ प्रवेश कर जाती हैं। अब दरिद्रता को तीखा और खट्टा बहुत पसंद है, जिनके भी घर में ये दोनों चीज़ें एक साथ रखी होती हैं दरिद्रता वहाँ तुरंत प्रवेश करती है, फिर लड़ाई झगड़े ग्रह कलेश सब कुछ शुरू हो जाता है, दरिद्रता का वास हो जाता है घर में, क्योंकि नींबू खट्टा होता है और मिर्च तीखी होती है और अधिकतर लोगों के यहाँ रसोई घर में या फ्रिज में नींबू मिर्च एक साथ ही रखे मिल जाते हैं। तीखा और खट्टा एक साथ मिलेगा तो दरिद्रता घर से जा ही नहीं सकती। यदि दरिद्रता का वास अपने घर से समाप्त करना है, ये ग्रह कलेश लड़ाई झगड़े समाप्त करने हैं, तो आज ही नींबू और मिर्च को अलग अलग रखना शुरू कर दीजिए। नींबू अलग डलिया में, मिर्च अलग डलिया में, फ्रिज में भी रखें तो दोनों अलग अलग स्थान पर रखें। हाँ, नींबू मिर्च एक साथ एक जगह पर रह सकते हैं और वो है आपके घर का मुख्य द्वार या फिर आपकी दुकान का प्रवेश द्वार, वहाँ पर नींबू मिर्च एक साथ टांगे जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि दरिद्रता जब आए तो वो आपके द्वार पर ही रुक जाए, घर में प्रवेश ना करे, क्योंकि आपके द्वार पर ही उसे उसका मनपसंद भोजन मिल जाएगा।